मार्केट की रीसेंट फ्लक्चुएशन के बाद क्या हमें एडएक्स का काम करना चाहिए या नहीं? देखो यार, बहुत सारे लोगों के मतलब इस तरीके से पूछने के लिए मैसेज आते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं जो के लोग दिखा रहे होते हैं लोगों के कि यार क्या मुझे एडएक्स का काम करना चाहिए, क्या एडएक्स के काम में अब नुकसान ही नुकसान है, या फिर क्या ये काम अब वर्थ इट रहा भी है कि नहीं। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, एडएक्स का काम हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। एडसेंस का काम हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। अब इस काम में आपने जो चीज़ नहीं करनी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और जो चीज़ आपने करनी है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखो, लोडिंग करने वाले अभी तक लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना कमा लिया हुआ है कि अगर 10 में से उनकी 5 साइटें चली भी जाए ना, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जिन 5 में से पेमेंट निकलेगी वो उसी में से पूरे कर लेंगे, सही है। आपने क्या करना है, एक बिगिनर ने क्या करना है, एक जो नया बंदा है उसने क्या करना है कि उसके पैसे ना ज़ाया हों। ये टिप देने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि यार देखो, आपने ना ऑर्गेनिक काम की तरफ जाना है। ऑर्गेनिक काम ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉगिंग ही करो, आप SEO सीखो, ये ज़रूरी नहीं है। आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ला सकते हो, बहुत आसानी से ला सकते हो, और ये कोई इतना खास मुश्किल काम भी नहीं है। मैं आप लोगों को कोई आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म या कोई पे टू क्लिक जो होता है, कोई ऐसी वेबसाइट भी नहीं बताने वाला। देखो आप लोग ना, सिंपली मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा छुपाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पीछे रखा जाता है। यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स भी इस चीज़ को इतना खास नहीं बताते, वो है शॉर्ट्स। मैंने कल आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाया भी था, आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके अंदर शॉर्ट्स को यूज़ करते हुए आप लोग कैसे रियल ट्रैफिक ले सकते हो, और वो यार रिस्की भी नहीं है, 0% रिस्क है। आप एडसेंस पे भी इसका काम कर सकते हो, एडेक्स पे भी इसका काम कर सकते हो, पाकिस्तानी ट्रैफिक भी ले सकते हो, जिस कंट्री की चाहो आप ट्रैफिक ले सकते हो, शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, जैसे यूट्यूब है, और मतलब इसी तरह से फेसबुक की रील्स भी हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो को यार बहुत ज़्यादा रीच मिलती है, आप वहाँ से लोगों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे मर्जी जो भी किसी का इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट के मुताबिक उसको कह सकते हो, उस इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए व्यूज़ ले सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर से ऑर्गेनिकली लोगों को भिजवा सकते हो। मतलब इस तरह की टेक्निक्स और इस तरह के काम को यूज़ करते हुए बिगिनर्स को ये मेरा मशवरा है कि आप लोग जो है वो एडेक्स के ऊपर काम करें। अगर आप कहेंगे यार समीत भाई, आप लोडिंग के बारे में यार कुछ बताओ, यार लोडिंग में कोई हमारी जो ड्रॉपिंग्स के मसले आ रहे हैं और कुछ इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मसले मसाइल हैं आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि डैशबोर्ड साइट बंद हो जाती है, ठीक है, डैशबोर्ड जो है वो अर्निंग ड्रॉप करनी शुरू कर देता है, और इस तरह से काफ़ी सारे मसले आते हैं। यार देखो, ये चीज़ें जो है ना, एक उस बंदे के करने वाला काम नहीं है जिसके पास जेब में 50,000 है, ठीक है, जिसके पास जेब में 1 लाख रुपए है। ये काम है उन लोगों वाले जिनके पास थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप लोगों को अपने पूरे पैसे रिस्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके मैं साइट लेने लगूँ, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो ना सही, ऐसे नहीं करना यार। देखो पैसे बचाओ अपने, ऑर्गेनिक वे में काम करो, स्किल्स सीखो, कोई रियल ट्रैफिक लेके जाओ, सोशल मीडिया से लेके जाओ ट्रैफिक को उधर, ठीक है, वहाँ से अगर कोई जॉब्स का पेज आप बना लेते हो, या फिर नहीं बनाया तो बना लो, ठीक है, जॉब अवेयरनेस देते देते आप अपनी वेबसाइट पे पता नहीं कितने बंदों को लेके जा सकते हो। लोग बता रहे होते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको खोलें, और इस तरह से, ठीक है। ये तरीके बहुत हैं, ये रील्स वाला तो एक तरीका है, आप मज़ीद तरीके भी देख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए तरीके मज़ीद लेकर आऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात यह है कि जस्ट आप लोगों ने अपना टाइम और एफर्ट सेव करनी है, लोडिंग जो है उसको बिगिनर्स जो है मेरे भाई वो फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, ठीक है, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे जो कर रहे हैं वो करते हैं, मैं कर रहा हूँ मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने करी, मतलब जाहिर बात है मैंने करी जानी है, जो करते हैं उन्होंने भी करी जानी है,
लेकिन फिलहाल के लिए मेरी जान, आप अगर बिगिनर हो तो आप लोडिंग मत करो, आप टेक्निक्स की तरफ आओ कि किस टेक्निक से आप ट्रैफिक को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।